यार बहन भैया, थोड़ी देर पहले जो है ना एक बुरी खबर सुनी। मेरे दोस्त का जो है ना एक तो लेट हो गया, जनाजे का टाइम जो है ना वो गुजर गया। भाभी और अहमद भाई को कुछ कहना है। अच्छा जी, मैं इनसे जो है ना छुपता रहता हूँ, लेकिन ये जो है ना मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कैसे छोड़ूं आपका तो यार पीछा प्यारा है। ज्यादा लगता हूँ। ये जो डंकी शहर में मारी थी। सब भाभी प्लीज आप जो है ना अपना रवैया चेंज करें। अहमद भाई ना गुस्सा दिला, क्यों दिलाता है भाभी सब। इंशाल्लाह ताला मैं वहीं पे आऊंगा और आप दोनों को जो है ना डंडे से समझाऊंगा। आप दोनों मुझसे छोटे होंगे। ये बड़ा तंग करती है, जब दूध निकालते हैं ना बड़ा तंग करती है ये जी। तो कपड़े जो है ना आपकी भाभी ने सारे धुलाई कर लिए हैं, अब जो है ना उन्हें सुखाने के लिए जी भाइयों ने तिल काट के इधर जो है ना इकट्ठे किए हुए हैं। और इससे माशाल्लाह जी आज खुबैब भी जल्दी उठ गया है, नमाज के लिए वुजू बना लिया। हाँ सलाम कर लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम डियर, क्या हाल उम्मीद करते आप सब खैर से होंगे। आप भी ठीक है। माशाल्लाह चलें जी, नमाज अदा करने लगा है और सारे जो है ना उठ चुके हैं। ये देखें जी बाहर जो है ना अभी अंधेरा है, टाइम 4:30 का है, तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, फिर आप सबसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबन भाइयों को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। ये है दही, अब मैं बना रही हूँ छाछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चों के लिए थोड़ी सी दही रख रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह ब खैर। क्या हाल चाल हैं प्यारे बहन भैया? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से आप सब बहन भैयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज अमान में रखे। जो बीमार हैं तकलीफ़ में हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अजल अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। ये देखें जी आपकी भाभी भी पीछे लकड़ियाँ और आटा लेके जो है ना आ चुकी है और जो है ना तंदूर गरम करने के लिए जा रही है। तंदूर गरम करते हैं और फिर जो है ना रोटियां लगाते हैं। ठीक है जी, तो आप सब ने हमारे साथ रहना है, वीडियो को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है। प्यारे बहन भैया गुजारिश है छोड़ा ना करें वीडियो को, ताकि हमें फ़ायदा भी हो, एंड तक देखा करें। ठीक है, तो चले अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें जी लकड़ियाँ तंदूर के अंदर डाल दिए हैं और ये प्लास्टिक है,
इससे जो है ना आग जलाई जा रही है, ऐसे जो है ना लकड़ियों को आग नहीं लगती। ये देखें जी, अब जो है ना आग जल चुकी है बड़ी मुश्किल से। फैनली तंदूर जो है ना वो गर्म हो चुका है, अब जो है ना रोटियां लगाई जा रही हैं। ये देखें जी, अंदर लगी भी हुई है जी। तो रोटियां जो है ना वो लग चुकी हैं और आपकी भाभी जो है ना वो पीछे लेके आ रही है, और बादल भी आ चुके हैं। अल्लाह खैर करे, सुबह के टाइम जो है ना बिल्कुल मसला साफ था, लेकिन अब जो है ना पूरे आसमान पे बादल हैं, सूरज जो है ना वो छुप चुका है। और अब जो है ना चलते हैं ओल्ड एज होम पे, नाश्ता करते हैं। और अहमद भाई और सबा भाभी के बीच जो चल रहा है ना, तो इस वजह से जो है ना हमें भी काफ़ी परेशानी है, क्योंकि वो मेरे सगे भाइयों की तरह हैं और काफ़ी सारी बातें भी आप सबसे शेयर करनी है। और मैं उन बहन भाइयों से ये कहना चाहूँगा जो थोड़ी सी वीडियो देख के कमेंट करके चले जाते हैं नेगेटिव कमेंट करके, आप जो है ना वीडियो को एंड तक देखा करें, कंप्लीट देखा करें, फिर जो है ना आप कमेंट किया करें कि वीडियो के अंदर क्या है, हम आप सबसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वीडियो के अंदर। तो इस तरह ना किया करें, थोड़ी सी वीडियो देख के आप नेगेटिव गलत गलत कमेंट करके चले जाते हैं। तो हमारे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, काफ़ी सारी बातें जो है ना आप सबसे शेयर करनी है। तो अब जो है ना ओल्ड एज होम पे चलते हैं, नाश्ता करते हैं, तो सारी वीडियो आप सबसे शेयर करते रहेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, अब जो है ना थोड़ा थोड़ा सूरज दिखाई दे रहा है, बाकी आसमान पे जो है ना सारे बादल ही हैं। ये देखें जी, जी तो नाश्ता वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब जो है ना हम नाश्ता करने लगे हैं। जिस बहन भाई ने अगर नाश्ता करना है तो आ सकते हैं। आज हुबैब जो है ना छुट्टी कर रहा है नाश्ते की, हैं? नाश्ता करना है। करना है जी, चलें जी, करें करें, चलें जी, आ जाए जिसने भी नाश्ता करना हो जी। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, अब जो है ना बकरी का दूध निकाल रहे हैं। ये बड़ा तंग करती है जब दूध निकालते हैं ना, बड़ा तंग करती है। ये देखिए जी, तो अब जो है ना आपकी भाभी जा रही है कपड़े धोने के लिए। ये देखें जी, इकट्ठे किए हुए हैं बाल्टी के अंदर। ये देखें जी, भाइयों ने तिल काट के इधर जो है ना इकट्ठे किए हुए हैं और इस साइड पे भी इकट्ठे कर रखे हैं, और अभी जो है ना कुछ खड़े हैं उनकी जो है ना कटाई कर रहे हैं। ये देखें जी, अभी तक जो है ना हमारे इस कमरे में कीचड़ पड़ी है। ये देखें जी, सर्फ जो है ना हमारी वॉशिंग मशीन में चला गया है। हाँ, ये मेरी वॉशिंग मशीन, ये अंदर बाल पड़े हैं, ये तो निकालो, ये निकल जाएंगे जब धुलाई हो गए कपड़े ना, ये तो निकल जाएंगे। अब जी भिगोए जा रहे हैं कपड़े, ये थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, फिर जो है ना इसे धोऊंगी। ये देखें जी, अभी जो है ना तिल यहाँ से काटे जा रहे हैं। जी तो कपड़े जो है ना आपकी भाभी ने सारे धुलाई कर लिए हैं, अब जो है ना उन्हें सुखाने के लिए तार पे डाल रही है। इतना दूर आना पड़ता है मुझे कपड़े धोने के लिए? हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अभी नलका भी नहीं है, गुसलखाना भी नहीं है, कपड़े धोने की भी जगह नहीं है, तो यहीं पे आना पड़ता है कपड़े वगैरह धोने के लिए, नहाने के लिए। प्यारे बहन भैया, थोड़ी देर पहले जो है ना एक बुरी खबर सुनी, मेरे दोस्त का जो है ना एक बच्चा, उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं जो है ना जनाजे पे नहीं जा सका, मेरी जो है ना बाइक पंचर थी तो लेट हो गया, जनाजे का टाइम जो है ना वो गुजर गया। हाँ जी, मैं भी आ गया। क्या करना है? मैं घर जा रही थी कपड़े धो कर, और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊँ, कुछ सबा भाभी और अहमद भाई को कुछ कहना है। अच्छा जी, मैं इनसे जो है ना छुपता रहता हूँ, लेकिन ये जो है ना मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कैसे छोड़ूँ आपका पीछा? जहाँ भी जाता हूँ पीछे पीछे चली आती है। आपका तो प्यारा ज्यादा लगता हूँ। हाँ अच्छा जी, हाँ जी, क्या कहना था?
यही कहना था कि भाभी सबा अहमद भाई आप जो है ना इतना झगड़ा ना किया करें। हम बार बार यही बात आपको कहते हैं कि इतना झगड़ा ना। अहमद भाई जो डंडकी शहर में मारी थी, देखा था मैंने, इतना ज़ोर से मारी थी। अहमद भाई क्या मिला आपको? बिल्कुल इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप जैसे वो कप तोड़ रहे थे अहमद भाई आप, और बर्तन वगैरह तोड़ रहे थे, और भाभी सभा जब करीब आई तो उनको भी धक्का दे दिया। कोई अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा नुकसान हो जाता तो फिर अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे। हम तो हर वक्त दुआएं करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला है आप दोनों के साथ। हमारी दुआएं जो है ना इकट्ठी हो रही हैं, ज़खीरा हो रही हैं, एकदम जो है ना फिर उनके असरात कभी नज़र आएंगे। प्यारा बहन भैया, बस हमारे लिए भी दुआ करते रहा करें और सब के लिए दुआ करते रहा करें। जितने भी कपल हैं तो वो हमेशा खुश रहें। हम भी यही दुआ करते हैं कि जितने भी पूरी दुनिया में कपल हैं, मियाँ बीवी आपस में जो है ना खुशहाल रहें, हंसी खुशी जो है ना ज़िंदगी गुजारें। गुस्सा जो है ना ये अच्छी बात नहीं है, और लड़ाई झगड़े करना, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। इससे जो है ना घर में से बरकत भी उठ जाती है और काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। बच्चों पे काफ़ी असर पड़ता है, बच्चे नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और सबा भाभी प्लीज़ आप मेहरबानी करें, आप इतना गुस्सा ना किया करें। जैसे आप कह रही थी कि मैं नौकरानी बनी हुई हूँ, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बीवी जो होती है ना वो घर के काम काज उनकी ज़िम्मेदारी होती है, अपने खामत की खिदमत करना, घर के काम काज करना, तो वो औरत को ही करने पड़ते हैं। और कोई और तो वो ला के जो है ना नहीं रख सकता, उधर घर वाले ही काम करती है अपने, यानी कि घर के जो रोज़मर्रा के काम वगैरह होते हैं तो घर वाले के ही ज़िम्मे होते हैं। तो सब भाभी प्लीज़ आप जो है ना अपना रवैया चेंज करें। अहमद भाई ना गुस्सा दिला क्यों दिलाता है भाभी सभा को गुस्सा? उसने क्या गुस्सा दिलाया है? वो पहले नहीं करते थे घर का काम, तो आप पता नहीं क्या हो गया है। या ये भी होता है जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो इसमें भी हाँ ये कैसे कहते हैं रहता है, चिड़चिड़ापन जो ना हो जाता है। तो अहमद भाई आप भी मेहरबानी करें, ज़्यादा गुस्सा ना किया करें। और अहमद भाई जब धक्का दिया था, अगर भाभी सभा गिर जाती तो वो पेड़ से है, कोई नुकसान हो जाता तो क्या मिलता आपको? पत्नी मसला क्या हो गया इनके साथ, हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मेरे सगे भाइयों की तरह है अहमद भाई और सबा भाभी, वो हमारी भाभी हैं। तो जब इन दोनों को हम देखते हैं लड़ते हुए तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है और टेंशन भी होती है। बस दुआ ही कर सकते हैं और तुम्हारे बस में कुछ नहीं। सबा और अहमद भाई हम दोनों को कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा झगड़ा ना किया करें। जी बिल्कुल, झगड़े ख़त्म करें, मेहरबानी करें। मैं अभी बिजी हूँ, मैं जो है ना कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला, मैं वहीं पर आऊँगा और आप दोनों को जो है ना डंडे से समझाऊँगा। आप दोनों मुझसे छोटे होंगे तो ऐसे जो है ना आप नहीं समझ पा रहे, कहीं गुस्से से डंडा आपके सर में ना आ जाए। देखेंगे वो दोनों गुस्से में है, दो होके मेरी पिटाई कर लें, नहीं शर्म करेंगे, इतना नहीं करेंगे, इज्जत करते हैं। रात देखा था वीडियो में कितनी बर्तन भैया मैं तोड़ रहा था। हाँ वो खुद पे गुस्सा निकाल रहा था। सब भाभी को तो उसने नहीं मारा ना। जैन के जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाए और इनके जो है ना गुस्से वगैरह ख़त्म हो जाए, हमारी तो यही दुआ है। और मेरा बाजू भी थक गया है, वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड। जिन बहनों और भाइयों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी कर दें जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, तो आप सबसे लेंगे फ़िलहाल इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फिर कल वाली वीडियो में। हमें रखना दुआओं में याद। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।